सर इसमें जो है जुल्फकार हैं एक शुआर के, तो उन्होंने मंजूर खान से अपनी कुछ ज़मीन खरीदी है जिसकी उत्तर में चौड़ाई 13.10 है और दक्षिण में 1.52 है। 167 मीटर लंबाई है इसकी। अब इन्होंने अपनी ज़मीन तो आगे छोड़ दी और पीछे को हट गए, नहर विभाग की ज़मीन पे इन्होंने निर्माण कर दिया। मैंने कई बार शिकायत भी की लेकिन कुछ उसमें जो है हमारे नहर विभाग के और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो साठ गांठ कर लिए और उसका जो है कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मैंने सांसद जी को इस विषय में बताया तो सांसद जी ने डीएम साहब से इसको कहा कि भाई डीएम साहब इसको आप त्वरित ढंग से लीजिए। तो डीएम साहब हमारे जो है बहुत अच्छे हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ जहाँ कोई अगर वैसी बात हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो आपने तुरंत संज्ञान लिया, हम 6 तारीख में मिले, 7 तारीख में यहाँ पर टीम आ गई। अब जब टीम आई तो टीम ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। जांच पड़ताल में जब ये दीवार टूट रही थी तो बोले दीवार टूट रही है भाई, उसके बाद फिर निशान लगा तो मार्केट भी पूरी जा रही। हम ये चाहते हैं कि माननीय योगी जी का ये संदेश है कि कोई भी माफिया कहीं सरकारी भूमि पर निर्माण नहीं कर सकता, वो सार्वजनिक की भूमि है। जब सार्वजनिक है तो वो अकेला क्यों निर्माण करेगा भाई, वो अपनी भूमि पर निर्माण करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीछे हट के उन्होंने निर्माण करा है नहर विभाग की ज़मीन पे, तो वो उसको छोड़ दे। कितनी दुकानें हैं? दुकानें तो 40 हैं लगभग। कितनी ज़मीन होगी लगभग? ये ज़मीन है 231 गाटा संख्या है और 304 लगभग 6 बीघे ज़मीन है, 6 बीघे से ऊपर है, 6 बीघे 40 मीटर लगभग ज़मीन है जिसपे इनने कब्जा कर लिया। सर परचई गांव में लगभग 40 दुकानें हैं जो नहर विभाग की ज़मीन पे बनी हुई हैं, उसमें कई बार शिकायत भी हुई, क्या मामला है सर? देखिए ये प्रकरण आप मेरे संज्ञान में अभी लेकर आए हैं और परचई गांव का ये मामला है, तो अभी मैं संबंधित जो हमारे उपजिलाधिकारी और नहर विभाग के लोग हैं दोनों को इस प्रकरण को संदर्भित करूँगा और प्रयास करेंगे कि अगले 7 दिन में इस पूरे प्रकरण में क्या तथ्य है उसकी पूरी जाँच करेंगे और अगर प्रतिगमन पाया जाता है तो हटाने का तरीका।